ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत। सहारनपुर बाल विकास परियोजना केंद्र बलिया खेड़ी पर 3 दिवसीय सखी एवं 2 सहेलियों का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें जिला कार्यक्रम अधिकारी आशा त्रिपाठी ने बताया कि किशोरी बालिका प्रशिक्षण भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में वे उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री की प्राथमिक कार्यक्रमों में से एक है, जिसमें हम 11 से 14 वर्ष की आयु की बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। किशोरी बालिका योजना के अंतर्गत यह प्रशिक्षण कार्यक्रम वीरांगना दल का हर एक ब्लॉक में चलाया जा रहा है। वीरांगना दल में 30 लोग होते हैं, जिसमें 1 सखी और 2 सहेलियां होती हैं। इस समय जो प्रशिक्षण चल रहा है 1 सखी और 2 सहेलियों का चल रहा है। इस प्रशिक्षण में हम इनको व्यक्तिगत सुरक्षा, समाज में सामाजिकता के बारे में सिखाया जाता है तथा स्वास्थ्य में सुधार के बारे में सिखाया जाता है, आयरन की गोलियों के बारे में भी सिखाया जाता है आदि बातें इनको इस प्रशिक्षण में सिखाई जाती हैं। किशोरी बालिकाओं का प्रशिक्षण भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में और उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री की प्राथमिक कार्यक्रमों में से एक है, जिसमें हम 11 से 14 साल की जो बालिकाएं हमारी हैं उनको स्ट्रेंथन और उनको बिल्कुल सशक्त बनाने का कार्यक्रम ये है, जिसमें किशोरी बालिका योजना के अंतर्गत ये प्रशिक्षण कार्यक्रम वीरांगना दल का प्रत्येक ब्लॉक में किया जा रहा है। वीरांगना दल में 30 लोग होते हैं, जिसमें 1 सखी और 2 सहेलियां होती हैं। इस समय जो प्रशिक्षण चल रहा है 1 सखी और 2 सहेलियों का चल रहा है। इनको प्रशिक्षण दे करके हम ये बताएंगे कि आप जा करके जो आपके वीरांगना दल की सदस्य हैं उनको भी जागरूक करिए। जैसे किस किस तरह का जागरूक करता है, एक तो पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में, उसके बाद इनको समाज में सामाजिकता के बारे में, कैसे इनको अपने आप को समाज से गलत कार्यों से बचाना है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से बचाना है, और स्वास्थ्य में सुधार के लिए क्या क्या इनको जांच करानी है अपनी, आयरन की गोलियां लेनी है, आयरन फोलिक एसिड की गोलियों का बराबर और नियमित सेवन करना है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार का एक विप्स कार्यक्रम भी चल रहा है, उसके तहत आयरन की गोलियों की बिल्कुल कमी नहीं है और वो इनको आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से प्रोवाइड किया गया है। इनके स्वच्छता के बारे में, बैंक में कैसे ये पासबुक खुलवाएंगी, पोस्ट ऑफिस में कैसे ये काम करेंगी, पुलिस स्टेशन पर कैसे जा करके ये अपने खिलाफ अगर कोई क्राइम हो रहा है इनके खिलाफ तो कैसे ये FIR दर्ज कराएंगी, और कोई व्यक्ति किस तरह के स्पर्श इनके साथ कर रहा है, किस तरह की बातें कर रहा है, किस तरह इनको बहका रहा है, इन सारी चीजों का ज्ञान हम इन लोगों को कराते हैं ताकि ये जागरूक हो सके और इनके साथ कोई भी गलत क्राइम न हो और आने वाले दिनों में एक सुंदर और एक सशक्त भावी माता ये बन करके हमारे समाज का एक नया दिशा निर्देशन कर सके।